सोनभद्र के ओबरा थाना इलाके के चोपर रोड स्थित शराब के ठेके में लगभग 40 वर्षीय अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। जबकि ओबरा के ही सेक्टर 4 में लंबू का शव सड़क के किनारे मिला। स्थानीय लोगों का कहना है कि दोनों ही व्यक्ति शराब के नशे में धुत थे और यहां इनका शव पाया गया है। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि मौत का कारण क्या है, लेकिन उनके द्वारा यह अंदेशा जताया गया है कि लू लगने की वजह से इनकी मौत हुई है। सोनभद्र के ओबरा थाना इलाके में अलग अलग जगहों पर दो व्यक्तियों का शव पाया गया, जिससे शहर में सनसनी फैल गई है। हालांकि स्थानीय लोगों का कहना है कि दोनों ही व्यक्ति शराब के नशे में धुत थे, जबकि एक व्यक्ति अज्ञात जिसका शव शराब की दुकान में पाया गया है। वहीं पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। मौके पर पहुंची पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही यह तय हो पाएगा कि मौत के पीछे की वजह क्या है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि लू लगने से इनकी मौत हुई है। क्या मामला है ये? भैया ये अभी मैंने 5 बजे निकला, देखा ये शराब पी के सब लेटा है, देर हो गया। फिर कब का मामला है, कितने देर पड़ेगा? ये तो आइडिया नहीं, बट ये शाम को 5 बजे मैंने देखा तो देर लगी थी। क्या बता रहे हैं लोग, कैसे मौत हो गई इसकी? शराब पी के सब बोल रहे, शराब पी के। तो ये क्या शराब का ठेका है ये अंदर? हाँ, देसी का है। अच्छा, पुलिस आए दिन यहाँ पे लड़ाई पढ़ाई तो होता रहता है। अच्छा, ठीक है। हुआ यहाँ पे क्यों आए यहाँ पे? यहाँ अज्ञात में हमें सूचना मिली है, तो उसके संबंध में हम लोग आए हुए हैं। जी, क्या सूचना मिली थी आपको? ये मिला कि कोई लाश पड़ी हुई है दारू के ठेके पे, तो हम लोग आए तो उसको देखा गया, मुंह भी सुना गया, तो ऐसा कुछ प्रतीत नहीं हो रहा, लग रहा जैसे लू लग गया है। शनाख्त हुई आपकी? पता नहीं, कौन पता नहीं चला।